So now we will see what roles can ICT play in ECE. Children using ICT in their play or learning, most of the time, they are actually very much engaged with ICT. And, you know, jab wo game shuru karte hain khelna, to phir khelte hi chale jate hain. Humne usko thoda sa restrict karna, jaise maine arz kiya, ke we have to manage the time when the children will involve with ICT. So children and practitioners use ICT together to scaffold children's learning. Aur dusra tarika ye hai ki jaise maine arz kiya ki ye use of ICT jo hai ye guided hona chahiye. To agar parents saath hain, agar teachers saath hain, to wo bachon ke saath baith ke aahista aahista step by step technology ko use karenge taaki unko pata ho ki wo kya computer ko on kaise karna hai, chalana kaise hai, input kaise deni hai, usme se output kaise leni hai. और ये कि कौन सा नॉलेज उनको जो है वो चाहिए कौन सा नहीं चाहिए तो आप उनके साथ मिलके काम करेंगे तो फिर आप उनको बेहतर तौर पर सिखा सकेंगे सो चिल्ड्रन एंड प्रैक्टिशनर्स यूज आईसीटी टुगेदर टू डॉक्यूमेंट एंड रिफ्लेक्ट ऑन चिल्ड्रन लर्निंग जैसे मैंने अर्ज किया था अगर बच्चा इंडिपेंडेंटली किसी वीडियो के ऊपर बैठा है या इंडिपेंडेंटली वो उसमें कोई गेम खेल रहा है तो शायद इतना फायदा ना हो जितना उसका गाइडेड लर्निंग के साथ होगा मसलन अगर आप वीडियो दिखा रहे हैं बच्चों को तो आप बजाय इसके कि उनको इंडिपेंडेंटली दिखाना शुरू करें आप एज ए टीचर वीडियो दिखाएं कुछ उसका हिस्सा फिर बच्चों से क्वेश्चन करें कि जो कुछ अब तक हमने देखा है उसमें क्या हो रहा था और उनसे सवाल करें कि इसके बाद क्या होने वाला है आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कहानी अब किस मोड पर जा रही है या जो कोई प्रोजेक्ट चल रहा था उसमें अब बच्चे या जो भी कैरेक्टर है वो मजीद क्या करेगा इस तरह से उनकी सोचने समझने की सलाहियत और क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो पैदा होगी तो आप उनको वीडियो दिखाते हैं फिर उनसे सवाल पूछते हैं फिर वीडियो का अगला हिस्सा एक या डेढ़ मिनट तक आप फिर उनको दिखाते हैं फिर उसका क्लाइमेक्स पैदा करते हैं फिर उनको सवाल पूछते हैं कि अब फर्दर क्या होने वाला है और जो कुछ पीछे हो चुका है उसके बारे में आपका क्या ख्याल है अगर आप इस स्टोरी को तब्दील करना चाहें तो कैसे करेंगे आपके ख्याल में इसका अंजाम क्या होना चाहिए तो इस तरह से बच्चों के अंदर थिंकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व करना ताकि कल को जब वो खुद भी वीडियो देख रहे हों या खुद भी कोई स्टोरी देख रहे हों तो उनको अंदाज़ा हो कि वो किस तरह से उसको क्वेश्चन करेंगे और किस तरह उसके बारे में वो कुछ प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं तो हमने उनको गाइडेड लर्निंग देनी है दूसरा उसको मॉनिटर भी कर सकते हैं कि भाई बच्चे इस तरह की चीज़ें मत देखें आजकल आपने देखा होगा जितनी वीडियो गेम्स हैं उनके साथ एड्स जो हैं वो लाजमी हैं तो अगर एड्स को कंट्रोल कर लिया जाए या ऐसे चैनल्स हों जहाँ पे एड्स ना हों तो वो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि हर एड को स्किप करने से पहले बच्चों की नज़र तो उसके ऊपर ज़रूर पड़ती है तो वी हैव टू मैनेज दिस प्रैक्टिशनर्स शुड यूज आईसीटी फॉर प्लानिंग एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट देखिए सिर्फ यही नहीं कि हमारे बच्चे जो हैं वो बजाते खुद आईसीटी के साथ इंटरेक्ट करते हैं और सीखते हैं बल्कि उनके बहुत से ऐसे निज़ाम हैं स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के जो हम कंप्यूटर के थ्रू करते हैं उनका रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं उनकी प्रोग्रेस मेंटेन करते हैं उनके सारे प्रोफाइल्स को मेंटेन करते हैं और इस तरह से कि कौन सी चीज़ें उनको आ गई हैं कौन सी मजीद आनी है कहाँ कितना परफॉर्म किया है कौन सी असेसमेंट में कितने मार्क्स थे और कई दफ़ा तो हम उनको कंप्यूटर के थ्रू ही असेस कर रहे होते हैं जैसे कहूत जो गेम है जिसके थ्रू बच्चे एट द स्पॉट जो है वो असेस हो रहे होते हैं तो ये सारे काम हम कंप्यूटर से ले सकते हैं एज प्रैक्टिशनर टीचर्स और टीचर्स इन ट्रेनिंग लर्न टू यूज़ आईसीटी और लर्निंग थ्रू आईसीटी देखिए हमारे जो टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स हैं जो आप माशाल्लाह इस वक्त पढ़ रहे हैं आप भी टेक्नोलॉजी से इसी तरह इस्तेफादा कर रहे हैं कि अगर आप इसकी ट्रेनिंग नहीं लेते तो बहुत सी चीज़ें जो हैं वो सीखना बाकी रह जाएंगी तो हमारे जो टीचर एजुकेशन के प्रोग्राम हैं उनमें भी आईसीटी का बहुत बड़ा रोल कैसे होना चाहिए कि बच्चों को सिखाने के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट बच्चों को दिए जाएँ ताकि वो उसके ऊपर प्रैक्टिस करें और उनको वाकई वो सारी चीज़ें करनी आ जाएं कि किस तरह वो अपने बच्चों के लिए आईसीटी पे प्रोजेक्ट बना सकते हैं सो चिल्ड्रन एंड प्रैक्टिशनर्स यूज आईसीटी टू कम्युनिकेट और एक्सचेंज आइडियाज़ और इंफॉर्मेशन विद अदर प्रैक्टिशनर्स पेरेंट्स और रिसर्चर्स तो हमें अपना एक्सपोजर बढ़ाने के लिए और अपने एक्सपीरियंसेस ज़्यादा गेन करने के लिए दूसरे जो वालिदैन हैं जो हमारे प्रैक्टिशनर्स हैं रिसर्चर्स हैं उनके साथ भी इंटरेक्ट करना ज़रूरी है यानी आईटी के बारे में आपका जो इल्म है इसको मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसेस में आप पेश करें वहाँ जाएं लोगों से सीखें जो दूसरे प्रेजेंट कर रहे हैं उसको सीखें और जो नया आने वाला नॉलेज है जो छोटे बच्चों को गाइड करने के लिए आईसीटी के थ्रू आपको नया नॉलेज दे रहा है
اس سے آپ واقف ہوں تاکہ آپ کو بھی اندازہ ہو کہ کون کون سی گیمز نئی آ گئی ہیں، کون سے سافٹ ویئر نئے آ گئے ہیں، کیسے ہم آئی سی ٹی کو انٹروڈیوس کرا سکتے ہیں بچوں کی تعلیم میں، اور کیا کیا پریکاشنس ہم نے رکھنی ہے اپنے ذہن میں، کیا یوزفل ہے کیا یوزفل نہیں ہے. تو یہ ساری چیزوں سے اپ ٹو ڈیٹ رہنا ہمارے ان سروس ٹیچرس کے لیے بھی ضرورت ہے اور پری سروس ٹیچرس کے لیے بھی.